मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर निवासी दिव्यांग व्यक्ति नेत्रपाल उर्फ मित्रपाल के गांव के दबंग लोगों पर उसकी जमीन का धोखाधड़ी करके बैनामा कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को दिव्यांग नेत्रपाल उर्फ मित्रपाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचा और एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर और धोखाधड़ी करके गाँव के दबंग मोहम्मद असलम पुत्र तस्लीम, नईम अहमद पुत्र सलीम शाह, फहीम पुत्र अलीम शाह, जलालुद्दीन पुत्र अब्दुल हसन और तेहर सिंह ने उससे उसकी जमीन खरीदने की बात कही। आरोप है कि जब उसने इन दबंग लोगों से जमीन का बैनामा कराने के एवज 2 लाख की मांग करी तो उन्होंने तहसील में पैसे देने का वादा किया और अपनी गाड़ी में दिनांक 11 नवंबर 2022 को बिठाकर बिलारी तहसील के लिए रवाना हुए। नेत्रपाल का आरोप है कि दबंगों ने रास्ते में रुमाल निकाल लिया और उसके मुंह पर रख दिया, जिससे वह अपनी चेतना खोने लगा और होशो आवास में नहीं रहा और उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। आरोप है कि यह सभी दबंग लोग उसे तहसील बिलारी ले गए और रजिस्ट्री कार्यालय में ले जाकर कुछ दस्तावेजों पर उसके अंगूठे लगवा लिए और अंदर दफ्तर में ले जाकर मशीन पर भी अचेत अवस्था में अंगूठा लगवाया। यह मुझसे फर्जी बैनामा करा लिया कुछ लोगों ने मिल करके और अब कब्जा कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं ज्यादा। कौन लोग हैं ये? लोग हैं, एक तो तेहर सिंह लेखपाल मिला हुआ है और एक जलालुद्दीन प्रधान और एक नईम जो नानगार का रहने वाला है। ये जलालुद्दीन मोहम्मद नूरपुर बस्तौर का और तेहर सिंह लेखपाल बिलारी रहते हैं। कितने दिन हो गए इसको? हो गए 1.5 महीना करीबन। तो आपने कोई शिकायत की है? शिकायत की? मुझे पता चला, अब बैनामा करा लिया मुझसे पूर्व में, मुझे मालूम भी नहीं था, उस आवाज में नहीं था मैं। जब मुझे टाउचर करा गया, जब पता चला मुझे, तब मैं यहाँ को आया हूँ। क्या चाहते पास आया हुआ? मैं इनके पास आया हूँ। क्या चाहते हैं? हैं? क्या चाहते हैं? ये रद्द कर दिया जाए बैनामा। वही SSP को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में दबंगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई गई है।